नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इंडिया टीवी में हम अक्सर योग की बात करते हैं। आप लगातार देखते होंगे कि सेहत के प्रति किस तरह से इंडिया टीवी स्वामी रामदेव के साथ मिलकर काम कर रहा है, और उसी सिलसिले को हम इस प्लेटफॉर्म पर भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जो बाकी के वीडियोस हैं जो आप रेगुलरली देखते हैं, उनमें कैसे अलग अलग बीमारियों से आप अपने शरीर को बचा सकते हैं, अगर बीमारी हो गई है तो कैसे अपने शरीर को उन बीमारियों के चंगुल से मुक्त कर सकते हैं, आज़ाद कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, और कैसे अपनी बॉडी के लिए एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम आप डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको रेगुलरली बताते हैं। अब देखिए, जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लोग जीते हैं या जिस तरह का हमारा जॉब प्रोफाइल है, उस कारण भी बहुत सारी दिक्कतें हमारे शरीर में आती हैं। तो आज मैं स्पेसिफिकली उस परेशानी की बात करूंगी जो कंधों में, गर्दन में और स्कैपुलास में, ये जो पीछे आपके विंग्स हैं, ये जब आप अपने हैंड को मूव करते हैं तो यहाँ पे जो मूवमेंट फील होता है, ये जो जॉइंट है वहाँ पे जो भी दर्द आपको महसूस होते हैं, उन दर्दों से अपने शरीर को कैसे बचाएं, और अगर दर्द हो रहा है तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें जो आपको दर्द में थोड़ी राहत दें, थोड़ा कंफर्टेबल और रिलैक्स फील कराएं। और रेगुलरली अगर आप इन एक्सरसाइजेस को करेंगे तो ये आपके शोल्डर्स को, आपकी नेक को, आपकी स्कैपुलास को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप किसी भी काम को रोज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी, अगर हम योग की बात करें, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइजेज या वर्कआउट की बात करें, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पॉजिटिवली और नेगेटिवली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइजेस करने का भी एक तरीका होता है। एक्सरसाइजेस करनी है लेकिन सही तरीके से करनी है। कुछ भी जो नहीं पता है या जो कहीं भी देख लिया ऐसे नहीं करनी है। उसका सही मेथड है, सही पोस्चर है, सही अलाइनमेंट है, लाइन और लेंथ है, उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप दर्द भगाने के चक्कर में कुछ भी करेंगे, या आपको किसी एक्सरसाइज की नॉलेज नहीं है, या किसी इंस्ट्रक्टर की या किसी योगा टीचर की गाइडेंस के अंडर काम नहीं कर रहे हैं या योग नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है, हर बार नहीं लेकिन हो सकता है कि उसके कुछ दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट्स भी आपकी बॉडी को फेस करने पड़े। इसलिए अगर कुछ भी नया आप ट्राई करते हैं तो कोशिश करिए कि उसको किसी एक्सपर्ट के अंडर सीखें, उसकी गाइडेंस में किसी का सुपरविजन लें, और उसके बाद जब आपको ऐसा लगता है कि आपको ये वर्कआउट या योगा या ये एक्सरसाइज, या कह लीजिए अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको वो सब कुछ करना अच्छे से आ गया है, तो ही इंडिपेंडेंटली करें। वरना कुछ भी अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो एक्सपर्ट के सुपरविजन में करें। और मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने शोल्डर्स को, अपनी नेक को और अपने स्कैपुलास को मजबूत बना सकते हैं और पेन फ्री बना सकते हैं। तो आइए कुछ मैं आसान सी एक्सरसाइजेज, आसान से आसन आपको बताऊंगी। इन आसनों को करके आप ना सिर्फ अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग और मोबाइल बना सकते हैं बल्कि बीमारियों से भी बचा सकते हैं। तो आइए करते हैं एक्सरसाइजेज और आसनों की शुरुआत। शुरुआत करते हैं कुछ आसान सी बेसिक वार्म अप एक्सरसाइजेज के साथ। जैसे हम वार्म अप करते हैं तो हमारी बॉडी धीरे धीरे प्रिपेयर होती है, और साथ ही अगर आप लोग में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कभी वर्कआउट या एक्सरसाइजेस नहीं की हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक्सरसाइज किए हुए या जिम जाए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, बॉडी थोड़ी सी स्टिफ है, तो उन सब के लिए वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो लोग जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए भी वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही वार्म अप आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती है एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेस के लिए, आपके जॉइंट्स को स्मूदन करती है, जो स्टिफनेस आ जाती है, जो सोरनेस आपके जॉइंट्स में आ जाती है, उनको धीरे धीरे दूर करती है। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप एक झटके में करेंगे विदाउट वार्म अप, अगर आप पावर योग करेंगे या फिर डिफिकल्ट आसन करेंगे, तो भी आपकी मसल इंजरी हो सकती है। तो ऐसे में अपनी बॉडी को, अपने जॉइंट्स को लुब्रिकेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि मूवमेंट अच्छे से हो सके। तो वार्म अप यही करता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, बॉडी को डिफिकल्ट आसन या एक्सरसाइजेस के लिए प्रिपेयर करता है, और थोड़ा सा बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है, ल्यूब्रिकेशन करता है जॉइंट्स का। तो सबसे पहले कुछ बेसिक वार्म अप एक्सरसाइजेस और आसन्स मैं आपको बताने वाली हूँ। मिक्स है, एक्सरसाइज और योगा का मिक्सअप है। तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को सामने इस तरह से खोल लीजिए, और दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बना लीजिए, फिस्ट बना लीजिए। उसके बाद ओपन योर फिस्ट, क्लोज योर फिस्ट, ये मूवमेंट रहेगा। अगर आप
फील करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, फोकस्ड होकर करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि ये पूरा यहाँ पे काम हो रहा है, आपकी पूरी मसल्स पे काम हो रहा है। देखिए, आपने हाथ ओपन किया, यहाँ पे आपको फील होगा। तो ये आपके हैंड्स के लिए, खासकर वो लोग जिनको हाथ उठाने में बहुत दर्द रहती है या कोई भी भारी सामान उठाते हैं तो हाथों में दर्द होता है, ये बहुत बेसिक, बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन बहुत कारगर हैं, लेकिन तभी जब आप इन्हें रेगुलरली करेंगे। रोज़ करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको हर रोज़ बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, हो सकता है किसी दिन एवरेज रिजल्ट मिले, किसी दिन गुड रिजल्ट मिले, किसी दिन आपके आपका शरीर अगर इन सारी एक्सरसाइजेस के लिए या इन एफर्ट्स के लिए तैयार नहीं है, थका हुआ है, तो हो सकता है कि उस दिन आपको बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट मिले, लेकिन करना रोज है। कंसिस्टेंसी विल ब्रिंग द चेंज इन योर बॉडी, इन योर हेल्थ। तो इसलिए कोई भी काम करें तो कंसिस्टेंटली करें, भले ही आप एक घंटा करें, 45 मिनट्स करें, लेकिन कंसिस्टेंटली करें। तो ये आप 10-10 के 3 सेट्स कर सकते हैं या फिर 7-7 के 3 सेट्स कर सकते हैं। उसके बाद अगला है रोटेशन, जेंटली स्लोली। किसी भी तरह की जल्दबाजी हमें नहीं है, हमें हर एक मूवमेंट को जो हमारे रिस्ट में हो रहा है, जो हमारे ट्राइसेप्स में हमें फील हो रहा है, उसे फील करना है। जल्दी बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम। तो आराम से, धीरे धीरे हर एक मूवमेंट को जो आपके रिस्ट में हो रहा है, इसे फील करना है। कोशिश करिए कि सिर्फ आप अपने रिस्ट को मूव करें, ऐसे ऐसे रिस्ट मूव। ये सब बेसिक वार्म अप्स हैं आपकी बॉडी के, आपके हैंड्स के, आपके शोल्डर के वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं, और अलग अलग जॉइंट्स का वार्म अप हो रहा है। इसके बाद ये नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज, ये भी वही है, 10-10 के 3 सेट्स कीजिए या 7-7 के 3 सेट्स कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंटली कीजिए। एक सेट से जब आप दूसरे सेट में जाएं तो आप हाफ अ मिनट या 20-25 सेकेंड का ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये अब अगली एक्सरसाइज में हम शिफ्ट करेंगे। हाथ आपके ऐसे रहेंगे पैरेलल टू योर शोल्डर्स और स्ट्रेट रहेंगे, कोशिश करिए कि स्ट्रेट रखें, गेज बिल्कुल सामने स्ट्रेट रहेगा, और आप अपनी एल्बो को बेंड करेंगे, अपने हाथ से अपने शोल्डर्स को टच करेंगे। 10-10 के 3, 7-7 के 3 सेट्स भी कर सकते हैं। अभी अगली एक्सरसाइज, ये सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइजेज नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पर भी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे, हो सकता है कि कुछ लोगों के शोल्डर्स टाइट हों तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतना रेंज ना आए, लेकिन आप रेगुलरली करेंगे ना तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये रेंज, हो सकता है इससे भी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज आए। धीरे धीरे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट डायरेक्शन, आपके हाथ शोल्डर्स पे रहेंगे और आप धीरे से इन्हें रोटेट करेंगे, दोनों शोल्डर्स को। आप चाहें तो एक हाथ को भी ऐसे रोटेट कर सकते हैं, अगर दोनों आपसे एक साथ नहीं हो रहे हैं, आपको बहुत दर्द या बहुत पेन हो रहा है, तो धीरे धीरे आपने सर्कल बनाना है, जितनी रेंज में आप सर्कल बना सकते हैं उतनी रेंज में आप धीरे धीरे सर्कल बनाइए, ऐसे ये ऐसे आपकी राउंड रोटेशन रहेगी। इसके बाद ये अगली एक्सरसाइज जो आपने करनी है, ये आपके इधर जॉइंट्स के लिए, और इस पे प्रेशर स्कैपुला पे भी पड़ेगा। ये सारी वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं। धीरे धीरे, स्लोली, इजीली, किसी चीज की कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे हम सारी एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें मूवमेंट होगा, और वो मूवमेंट फील होगा। जब आप एक्सरसाइजेस को फील करके करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट पुट टू यूज है, क्योंकि हम अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि अपर बॉडी के पार्ट्स पुट टू यूज़ हैं, तो कौन कौन से। अभी आप अगर इस तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये स्ट्रेच हो रहा है, फिर आपके आपको यहाँ पे एक स्ट्रेच फील हो रहा है, आपको फिर पीछे स्कैपुलाज में स्ट्रेच फील हो रहा है, तो धीरे धीरे। उसके बाद ऐसे, अब आपको पूरा दोनों तरफ स्ट्रेच फील हो रहा है, आपके विंग्स में आपको स्ट्रेच फील हो रहा है। धीरे, जितना आप कर पाएं, जितना आप स्ट्रेच कर पाएं,
ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है तो आपको भी ज़्यादा स्ट्रेच करना है, उतना ही जितना आप स्ट्रेच कर पाए, जितने में आप कंफर्टेबल हो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसमें आपका, आपकी जो बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, आपका जो राइट हैंड है आपके राइट साइड ऑफ हेड की तरफ साइड में प्लेस्ड रहेगा। आपने हल्का सा इसे प्रेशर देना है और ब्रीद इन करना है। फील द ब्रेथ। अभी आपने हाथ नीचे करना है, ब्रीद आउट करना है। अगेन अब यही लेफ्ट साइड से करेंगे। ब्रीद इन, होल्ड द ब्रेथ एंड पुट योर हैंड डाउन एंड ब्रीद आउट। उसके बाद अब ये है वार्म अप एक्सरसाइजेस। अब आसनों की बारी आती है, तो सबसे पहला आसन जो आपने इन वार्म अप एक्सरसाइजेस के बाद करना है वो है गौमुख आसन। तो गौमुख आसन के लिए पहले आप पोजीशन ले लीजिए। आपका जो लेफ्ट लेग है वो नीचे रहेगा, आप अपने लेफ्ट लेग के फुट पर बैठेंगे, आपका जो हिप है आपके लेफ्ट लेग के फुट पर प्लेस्ड रहेगा, राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर ऐसे रहेगा जैसे मैंने प्लेस किया। हम योग में कोई भी आसन या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसको राइट साइड से शुरू करते हैं। अब आपका जो राइट आर्म है वो ऐसे ऊपर रेज्ड होगा, आपने उसे एल्बो से ऐसे बेंड करना है। उसके बाद आपका जो लेफ्ट आर्म है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और आप अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, ऐसे ऐसे आप अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, बहुत अच्छा आसन है गौमुख आसन, स्पेशली अगर आपके शोल्डर्स जाम रहते हैं या आपके राउंडेड शोल्डर्स हैं, कहते हैं ना कुब्बड़ निकल गया है, कंधे राउंडेड हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। आपने ऐसे करके इस पॉस्चर को होल्ड करना है 30 सेकेंड्स तक और बहुत ही जेंटली नॉर्मली ब्रीद करना है, बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल बैठे रहते हैं या कोई काम करते हैं तो ब्रीद करते हैं, ईजी बीजी ईजी ब्रीजी, तो बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल आपका ब्रेथ रहेगा, बस आपका पॉस्चर ऐसा रहेगा गौमुख आसन में। और आप धीरे धीरे, जब आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो, धीरे धीरे आप इसे स्ट्रेच करेंगे। कुछ लोगों के हाथ ऐसे टेढ़े होते हैं तो आप कोशिश करिए कि धीरे 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 ये अलाइनमेंट ठीक करें। जितनी अच्छी अलाइनमेंट उतना ज़्यादा आपका बॉडी पॉस्चर अच्छा होगा, उतना ज़्यादा एक्सरसाइज का फ़ायदा आपको होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये गौमुख आसन करना ईजी नहीं होगा, डिफ़िकल्ट होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई बैंड ले सकते हैं, कोई कपड़ा ले सकते हैं, ये वाले हाथ से ऐसे कपड़े को ऊपर से पकड़िए और ये वाले हाथ से ऐसे नीचे पकड़िए, उसके बाद जितना आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पाएँ उतना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। और धीरे 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 करके ये जो आपकी हाथों की रेंज क्लोज नहीं है, आपने ऐसे कपड़ा पकड़ा हुआ है, वो रेंज जैसे क्लोज आती जाएगी। 30 सेकेंड्स तक आप आसन को होल्ड कर सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल है तो आप 45 सेकेंड्स तक भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भी आपको अनकंफर्ट फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप और देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यू कैन ईजिली लेट इट गो, आप उस ग्रिप को लूज़ कर सकते हैं। अब यही आपने आसन करना है दूसरी साइड से, तो दूसरी साइड के लिए भी राइट लेग नीचे प्लेस रहेगा, राइट लेग के फुट पे आप बैठेंगे, मतलब आपका जो हिप है वो आपके राइट लेग के फुट पे प्लेस रहेगा, मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ, और जो आपका लेफ्ट लेग है वो ऐसे राइट से बिल्कुल सटा हुआ राइट के ऊपर। अगर आप ऐसे नहीं है कंफर्टेबल बैठने में तो आप अपने पैर को ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे बाहर निकाल लीजिए, बट जनरली दिस इज कंसिडर्ड द राइट वे टू डू द एक्सरसाइज द आसना। अब इसमें क्या करना है आपने, जो अच्छा कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैर ऊपर रहेगा कौन सा हाथ ऊपर रहेगा, तो जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर होगा। पहले हमने राइट पैर ऊपर रखा था लेफ्ट के, तो हमारा राइट हैंड ऊपर था, अभी हमारा लेफ्ट लेग राइट के ऊपर है तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो ऐसे ऊपर होगा। तो लेफ्ट हैंड आप ऐसे पीछे प्लेस कीजिएगा और ये आपका राइट हैंड रहेगा, इसको ऐसे आप ग्रिप कर सकते हैं, ऐसे आप इसे होल्ड करिए 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स अगर बहुत कंफर्टेबल है। अगर ये रेंज आपके लिए नहीं आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ ही एक दूसरे को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप ऐसे दोनों हाथों से कपड़ा पकड़ सकते हैं, तो वो आपके लिए और इजी और कंफर्टेबल हो जाएगा। और धीरे 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 करके ये जो ग्रिप है ये स्ट्रांग होती जाएगी, आप इसे अपनी फिंगर्स को टक कर सकते हैं एक दूसरे में, फिर जैसे अगर आप और कंफर्टेबल हैं तो फिर आप अपने रिस्ट भी पकड़ सकते हैं,
ऐसे धीरे धीरे धीरे. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू गौमुखासन. और जैसा कि मैंने बोला, शोल्डर्स के लिए गौमुखासन बहुत ही अच्छा आसन है. अब जो मैं अगला आसन आपको बताने जा रही हूँ, वो आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा आसन है. आप ऐसे, आपका जो लेफ्ट लेग है वो ऐसे अंदर की तरफ क्रॉस रहेगा और जो आपका राइट लेग है वो लेफ्ट के ऊपर रहेगा. इसमें हम अपने शोल्डर्स को ऐसे मूव करेंगे, तो जब हम अपने शोल्डर्स को मूव करेंगे तो आपको स्कैपुला में स्ट्रेच फील होगा. तो जब ये स्ट्रेच फील होगा तो ये आपकी स्कैपुला पेन या फिर स्कैपुला स्ट्रेंथनिंग का काम करेगा. सबसे पहले पोस्चर में कैसे आना है, जो आपका लेफ्ट लेग है वो ऐसे अंदर की तरफ मुड़ा होगा, जो राइट लेग है वो लेफ्ट के ऊपर आएगा, ऐसे साइड में प्लेस होगा जैसे मेरा प्लेस है. फिर उसके बाद जो आपका राइट आर्म है वो ऐसे पीछे की तरफ जाएगा और जो आपका लेफ्ट आर्म है वो आप ऐसे अंदर की तरफ से लाके फिर लेफ्ट का एंकल पकड़ेंगे ऐसे. ये सामने से पोस्चर आएगा और आपकी जो बॉडी है वो आपके राइट शोल्डर के ऊपर से एक सेंटर पॉइंट की तरफ देखेगी, जो आपकी आंखों का सेंटर पॉइंट होगा ऐसे. अगर मैं आपको एक और तरीके से करके दिखाती हूँ, एक और एंगल से करके दिखाती हूँ, देखिए जो आपका लेफ्ट लेग है वो ऐसे आएगा, जो राइट लेग है वो लेफ्ट के ऊपर ऐसे क्रॉस होगा, राइट हैंड पीछे आएगा पैरेलल टू योर हिप और जो लेफ्ट हैंड है वो ऐसे आपके राइट लेग के आउटर साइड से आपके पैर को पकड़ेगा ऐसे. तो जब ये आपका हाथ ऐसे आएगा ना, तो मैक्सिमम स्ट्रेच आपको फील होगा. फिर आपने ऐसे टर्न करना और अपने राइट शोल्डर के ऊपर से जो आपकी आंखों का एक सेंटर पॉइंट आपको नजर आ रहा है आपके आई लेवल पे, उसको देखना है. आप 30-45 सेकेंड्स इस आसन को होल्ड कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट. अगर इतना नहीं होल्ड कर पा रहे तो आप 20 सेकेंड्स भी होल्ड कर सकते हैं, जितने में आप कंफर्टेबल हैं. और सेम ऐसे ही ये आसन होगा दूसरी साइड से. ऐसे राइट लेग नीचे आएगा, राइट के ऊपर से लेफ्ट जाएगा, आपने अपने एंकल को होल्ड करना है और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो पैरेलल टू योर हिप होगा और बॉडी का पूरा ऐसा बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, एक तरफ को घूम जाएगी ऐसे. तो जब आप ये करेंगे तो आपको शोल्डर्स पे, आपके स्कैपुलास पे आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा. दैट इज़ व्हेन आपके स्कैपुलास पे काम होता है. अब जो अगली एक्सरसाइज आपने करनी है वो कुछ नहीं है, बेसिक हैंड रोटेशंस है. जैसे आप अपना हाथों को ऐसे पैरेलली खोल लीजिए, पैरेलल टू योर शोल्डर, उसके बाद ऐसे आपके रिस्ट का प्लेसमेंट रहेगा, फिर आपने इसे ऐसे ऐसे मूव करना है, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, सर्कल्स करने, हैंड सर्कल्स, अगेन इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, 10-10 3 टाइम्स. और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो आप 8-8 के भी 3 सर्कल्स कर सकते हैं. तो ये जॉइंट मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है. प्लस जिनको यहाँ पर बहुत फैट की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर आपको अपनी आर्म्स को टोन करना है, फैट लूज करना है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा, टोनिंग भी बहुत अच्छी होती है इससे आर्म्स की, बट अगर कंसिस्टेंटली रेगुलरली किया जाए तो. तो ये है सिटिंग आसन, सिटिंग पॉस्चर्स. अब पेट के बल लेट के कैसे आप अपनी बैक को मजबूत कर सकते हैं, कौन कौन से वो आसन हैं, कौन कौन से वो एक्सरसाइजेस हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं. देखिए ऐसे आप पेट के बल लेट जाइए, पूरा जो फोकस है वो अपर बॉडी की तरफ रहेगा, क्योंकि सारे जो आसन हैं वो अपर बॉडी सेंट्रिक हैं. तो आप नॉर्मल इस पोस्चर में भी बैठ सकते हैं. आप जब आप इस पोस्चर में आएंगे तो जो आपकी लोअर बॉडी है वो बिल्कुल पुश करेगी ग्राउंड को, आपका ये आगे टमी का एरिया, थाइस का एरिया, नीचे पैर जो हैं वो बिल्कुल पुश करेंगे और सारा मूवमेंट अपर बॉडी से होगा. तो सबसे पहले तो आप ऐसे मकर आसन कर सकते हैं, आपके जो दोनों हाथ हैं ऐसे प्लेस रहेंगे आपके चिन पे और ऐसे आप धीरे धीरे पैरों का मूवमेंट करेंगे. तो ये आपकी बैक, आपकी बैकबोन और आपकी लेग्स, थाइस के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, आपके लोअर बॉडी जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं. इसके बाद आप स्पिन एक्सपोज कर सकते हैं या अर्ध मकर आसन कर सकते हैं या हाफ कोबरा पोज कर सकते हैं. अगला आसन, उसके बाद कोबरा पोज करेंगे. जो आपके दोनों हाथ हैं, पाम
आपके चेस्ट के पैरेलली प्लेस्ड रहेंगे, आपका गेज सामने रहेगा, ब्रीदिंग करते हुए आप अपनी अपर बॉडी को ऊपर रेज करेंगे ऐसे, और जो आपका पेल्विक का एरिया है ये लोअर बॉडी, ये बिल्कुल पुश करेगा ग्राउंड को ऐसे। सामने देखेंगे, हाथ आपके सीधे होंगे, मुड़े हुए नहीं होंगे और टक्ड इन होंगे, ऐसे नहीं होंगे बाहर, ऐसे टक्ड इन सामने, बिल्कुल गेज आपका सामने रहेगा, शोल्डर्स ओपन रहेंगे, ऐसे नहीं होंगे, ऐसे ओपन रहेंगे सामने। तो आपको आपके शोल्डर्स पे और आपकी टेल बोन पे प्रेशर फील होगा, तो ये एक्सरसाइजेस आपके शोल्डर के लिए भी अच्छी हैं, आपकी टेल बोन के लिए भी अच्छी हैं। इसके अलावा एक और है आसन, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके जो दोनों हाथ हैं आगे प्लेस रहेंगे, जैसे हम सोते हैं बेबी पोजिशन, उसके बाद सामने देखेंगे, फिर अपने हाथों को ग्राउंड की तरफ प्रेस करते हुए आप ऊपर जाएंगे, ब्रीदिंग करते हुए। आपके हाथ ऐसे बेंड नहीं होंगे, सीधे रहेंगे, कोशिश करिए कि सीधे रहें, अगर सीधे नहीं कर पा रहे हैं तो दिस इज़ ऑल्सो फाइन, लेकिन अगर आप आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफर्टेबली हाथ सीधे कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कि हाथ सीधे रहें ऐसे। इसके भी 10-10 के तीन आपको सेट्स करने हैं, कोबरा पोज के भी 10-10 के तीन सेट्स करने हैं। इसके बाद जो अगला आसन है वो है चाइल्ड पोज। तो चाइल्ड पोज करने के लिए सबसे पहले तो आप चाइल्ड पोज में आ जाइए, बाल आसन में आ जाइए, ऐसे आप बैठेंगे, ये है बाल आसन। अब आप ऐसे नीचे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा शशकासन, जिसे बेबी पोज चाइल्ड पोज कहते हैं। अब आप धीरे से ऐसे ऊपर आइए, वापस आप नीचे जाएंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, कंट्रोल्ड मूवमेंट रहेगी। जब आप नीचे जाएंगे तो आप ऐसे, अगर आपकी बॉडी में कंट्रोल ज़्यादा है तो आप ऐसे भी नीचे जा सकते हैं, आप अपने दोनों हाथों को रेस ऊपर, हाथ रेस कीजिएगा बिल्कुल स्ट्रेट, धीरे से विद कंट्रोल आप ऐसे नीचे जाएंगे, धीरे धीरे विद कंट्रोल, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आसनों को करना है, बॉडी पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो एकदम से आप आगे गिर जाएंगे। आपके हाथ नीचे गए, फिर नीचे गए, फिर आपने अपना फोरहेड फ्लोर पे या मैट पे टच किया, आपने कुछ देर इस आसन में रेस्ट किया, और आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे ताकि आपको स्कैपुलाज में, साइड ऑफ द आर्म्स में वो स्ट्रेच फील हो, फिर धीरे धीरे आप वापस ऊपर आएंगे, अगेन विद कंट्रोल यू विल गो डाउन। कंट्रोल होना किसी भी आसन में बहुत जरूरी है, वो डिफाइन करता है कि आपकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है या फिर बॉडी के उस पार्ट में कितनी स्ट्रेंथ है। फिर धीरे धीरे हम ऐसे ऊपर आएंगे, तो ये भी आपके स्कैपुलास के लिए, आपके शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम करेंगे पपी पोज। तो पपी पोज के लिए सबसे पहले तो आप अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाइए, जैसे मैं खड़ी हो गई हूँ, उसके बाद नीचे जाएंगे हम नीचे की तरफ, ऐसे धीरे धीरे अपनी बॉडी को बेंड करेंगे, आपके जो घुटने हैं वो स्ट्रेट रहेंगे, आपके घुटने और आपका हिप एक लाइन में रहेगा, आपकी जो अपर बॉडी है वो फ्लोर को टच करेगी। जब हम सूर्य नमस्कार में साष्टांग आसन करते हैं जिसमें नी चिन और चेस्ट फ्लोर को टच करता है, तो ये आसन भी कुछ उसी तरह था। ऐसे धीरे धीरे ऐसे ये आप गए पपी पोज में। इसमें अगर आपके आपका चेस्ट फ्लोर को टच नहीं कर रहा है तो आप अपना चिन टच कीजिए धीरे धीरे। इस आसन को कुछ देर तक होल्ड करिए, 20-25 seconds, या अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 30 seconds, या आप अगर और कंफर्टेबल हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, आपकी बैक ठीक है, रेगुलरली आप आसन करते हैं, तो 45 seconds भी आप होल्ड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा आसन है, जो सारा आपको प्रेशर फील होता है, स्ट्रेच फील होता है, आपको बॉडी के इस पार्ट में स्ट्रेच फील होता है, तो जब आपको बॉडी के उस पार्ट में जिसमें पेन है उसमें स्ट्रेच फील होगा, तो धीरे 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 आपकी बॉडी रिकवर करना शुरू करेगी। लेकिन अगर आपको बहुत दर्द है, आप कोई भी एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहे हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर भी आपको ट्रीटमेंट देंगे, जो कुछ फिजियोथेरेपीज होती हैं
जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो करवाएंगे, तो आप उनकी गाइडेंस में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस है या फिर आपको जैसे भारी बैग उठा के कंधों में दर्द हो जाता है या लेस मूवमेंट या लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी बॉडी पेन होने लगती है, खासकर शोल्डर पेन होने लगते हैं, क्योंकि जो सारा स्ट्रेस है, जो भी हम सोचते हैं, जितना भी तेज़ हमारा दिमाग चलता है या जितना भी हम थिंकिंग या ओवर थिंकिंग करते हैं, वो सारा स्ट्रेस सोचने का हमारे कंधों में जमा होता है। तो जब तक कंधे स्ट्रेस फ्री नहीं होंगे या कंधों में मूवमेंट नहीं होगा या आप उस स्ट्रेस को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आप बेटर फील नहीं करेंगे। कहते हैं ना, सारा बोझ कंधों पे ही आता है, तो सोचने का भी जो सारा बोझ है, जो अलग अलग दिशाओं में हमारा दिमाग सोचता रहता है, जब हम कभी अपने माइंड को टेम नहीं कर पाते हैं, तो वो सारा स्ट्रेस, सारा प्रेशर जो है हमारे शोल्डर में आके बैठ जाता है। तो इसलिए शोल्डर एक्टिव रहना या शोल्डर की एक्सरसाइजेस करना या शोल्डर का शोल्डर के जॉइंट्स को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, ये आप एक्सरसाइजेस रेगुलरली कीजिए, आपको जिस भी तरह की और जैसी भी शोल्डर की प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर कम होंगी, कंट्रोल होंगी। और अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको अपने अंदर वो चेंज, वो बेटर बॉडी फील होगी, इनफैक्ट बेटर माइंड फील होगा, आपको लगेगा कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं बाय योर थॉट्स। तो इसलिए योग करना, एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप सही करें, सही तरीके से करें, किसी के सुपरविजन या किसी की गाइडेंस में करें और कंसिस्टेंटली करें। और एक्सरसाइजेज और योगा अभ्यास ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 5 दिन में या 7 दिन में आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा, आपकी कुछ लोगों को नेक मसल्स अच्छी लगती हैं वो आ जाएंगी, आपके शोल्डर्स में कट्स आ जाएंगे, तो दिस इज़ नॉट अ वन डे थिंग। तो इसके लिए आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, पहले आपको अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने की तरफ सोचना पड़ेगा, और उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ दैट। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, कुछ और एक्सरसाइजेस की हम बात करेंगे, कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकते हैं, कौन कौन से योगा अभ्यास हमें रेगुलरली करने चाहिए, उसकी बात करेंगे। फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।